बराबर है। अगला सवाल ये है कि सेल डिवाइड क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेल डिवीजन, टू फॉर्म न्यू सेल्स, टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक आंसर आया टू फॉर्म न्यू सेल। अब कोई और मुझे बताए नया पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट कोई और मुझे बताए। ग्रोथ ग्रोथ के लिए, ओके वेरी गुड। और ग्रोथ, फिर किसी ने तो गैमेट्स की बात की थी, कौन था वो गैमेट्स बनने वाला? मैं सर। काय समझ रहे, पॉइंट रिपीट करना बेटा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम इसको। तो सेल डिवीजन किसके लिए होती है? रिप्रोडक्शन के लिए। कोई और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेगा सर? टू रिप्लेस द ऑर्गन्स, टू रिपेयर द ऑर्गन्स, यस वेरी गुड। टू रिपेयर, रिपेयर के लिए हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हीलिंग, बराबर ना? आप समझते ना हील का मतलब क्या होता है? यस सर, घुमने को हीलिंग कहते हैं हम, राइट? तो हीलिंग होने के लिए भी क्या जरूरी है? सेल डिवीजन। मानो मेरे हाथ में इधर जख्म हो गया, तो जख्म हो गया मतलब उतना हिस्सा निकल गया होगा, बट कुछ ही दिनों में वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वहां के सेल्स डिवाइड होके उसको हील कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर का मतलब क्या है? री एंड पेयर। री माने अगेन, पहले जैसा कर देना, पेयर कर देना, उसे कहते हैं रिपेयर। यस, कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा? बोलो बोलो बोलो। Yes, anyone would like to add any point again? अरे जल्दी जल्दी बोलो बाबा, इतना टाइम नहीं खर्च करने का, आंसर देते रहने का फटाफट। आपने उस दिन अटेंड किया ना प्रजेश सर का सेशन? क्या बोला सर? टू ड्रॉ आउट, अपने अंदर सब होता है, बस बाहर निकलना जरूरी, बराबर है कि नहीं? देखो ना, सर बाहर आया तो ऐसा, और थोड़ा आने दो बाहर। मेरे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, ओके। टू रिप्लेस वोन आउट टिश्यूज, टू रिप्लेस वोन आउट टिश्यूज। वोन आउट मतलब क्या? जिनका यूज होके वो टिश्यू क्या होता है, वियर एंड टियर हो जाता है। जैसे अभी ये शर्ट मैं पहना हूं, अभी ये पिछले एक साल से पहन रहा हूं रेगुलरली, बट शायद और एक दो साल के बाद मैं पहन नहीं पाऊंगा। उसका कारण ये तब तक क्या होगा, घिस जाएगा, फट जाएगा। तो उसके घिसने को, फटने को हम क्या कहते हैं? वियर एंड टियर कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? हां सर। यस यस सर। उनकी चप्पल हम जिंदगी भर नहीं पहन पाते हैं, चप्पल घिस जाती है, उसका सोल खराब हो जाएगा। दूसरा डिवाइस भी ऑन हो गया है, इसलिए इको आवाज आ रही थी आपको, अभी नहीं आएगी। तो कोई भी चीज हम जब रेगुलरली यूज करते तो क्या होता है, उसका वियर एंड टियर होता है। उसी को पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं? बोन आउट, वियर एंड टियर का पास्ट टेंस। तो रिप्लेस वन ऑफ टिश्यूज, जैसे अभी अपना हाथ है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑर्गन है हमारे बॉडी का, लगातार हम इसको यूज करते हैं, पूरा दिन यूज करते हैं, और इसके सेल्स ना निकलते रहते हैं। ठंडी के सीजन में पता चला है सेल निकलते हैं, बाकी टाइम पता नहीं चलता है। सेल निकल रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बट उसकी जगह देने के लिए नए सेल रेडी है। ऐसा कभी होगा क्या कि सेल सारे निकल गए, सिर्फ हड्डियां दिख रही है अंदर? इज इट पॉसिबल? No sir. बराबर है कि नहीं? आप इमेजिन भी करोगे तो हंसी आएगी आपको। तो होता क्या है, जब ऊपर का एक लेयर जाता है तो उसके नीचे नया लेयर रेडी रहता है, नीचे के लेयर ने सेल डिवीजन कर चुका होता है, तो ऊपर का लेयर जाने से कोई तकलीफ नहीं है। तो दीज आर द वेरियस रीजंस, आई होप सबने लिख लिया रीजंस ये सेल डिवीजन के, कि कोई बाकी है? अगर बाकी है तो हैंड रेस करके बता दो।
ओके मयूरेश लिख रहा है, ठीक है, ओजस भी लिख रहा है, यस गुड मॉर्निंग ओजस, गुड मॉर्निंग, शैवण्य तांबे, शैवण्य तो फर्स्ट लेक्चर है का आज, यस सर, हाँ, यस सर, ओके ओके, पाणी सरन कडून आलेस का, हो सर, हाँ यस सर वाणी सर ओके बेटा ओके ओके डन सर तुझा कोड है तुला दिलेला तो कोड मागून घे ठीक है ओके सर ओके बेटा आता हा नवीन टॉपिक चालू केले त्यामुळे तुला आज काही अडचण नाही ना यस सर आणि नोटबुक मध्ये ना लिहून टाकायचं सगळं ठीक है बाकी लोक पण लिहितात ना सगळे नोटबुक मध्ये आपण यस सर यस सर ओके ओके चलो ठीक है तो ये रीजन देखा सबका लिखकर भी हो गया है बहुत अच्छी बात है अब हमें आगे बढ़ना है एक थ्योरी आप पढ़ोगे सेल टॉपिक के अंदर उसका नाम है सेल थ्योरी शायद स्कूल टाइम में भी आपने वो थ्योरी पढ़ा होगा उस थ्योरी में ना एक पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट कुछ इस तरह से है ईच सेल अराइजेस From a pre-existing sale, क्या कोई बताना चाहेगा इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है स्टेटमेंट को रीड करो एक बार दो बार रीड करो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट सर हाँ बोला ना जो आदला सेल असतो त्या सेल मधला नवीन सेल फॉर्म होतो येस म्हणजे जो सेल ऑलरेडी आधीपासून असतो प्री एक्झिस्टिंग एक्झिस्ट मतलब होना प्री मतलब पहिले तो पहिले एक सेल था इस सेल में डिविजन होके नए सेल बने तो अब तीन सेल नहीं होंगे सेल कितने होंगे बॉडी में जो नए तो बने वो ही होंगे पहले का सेल का अस्तित्व खत्म हो गया अस्तित्व खत्म इसे वर्ड क्या आया प्री एग्जिस्टिंग यानी सेल्स आसमान से नहीं गिरते हैं ना सेल हम कहीं से खरीदते हैं हमारे बॉडी के अंदर ही एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं आई थिंक द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर यस सर वेरी गुड यस गुड मॉर्निंग प्रसाद वेलकम बेटा ओके मॉर्निंग सर ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया सेल एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है फिर ये सेल डिवीजन में ना एक सीक्वेंस से सेल डिवीजन होता है और उस सीक्वेंस को हमने नाम दिया है सेल साइकिल क्या नाम दिया है सेल साइकिल तो लेट अस स्टडी सेल साइकिल पहले मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगा फिर इसके अंदर की स्टेजेस बताऊंगा सेल साइकिल क्या है तो ध्यान देना बोर्ड की तरफ ये सपोज एक सेल है इसमें डिवीजन शुरू हुआ और इसे दो नए सेल्स बने तो ये सेल था बराबर है इसमें डिवीजन हुआ और अब इसमें से कितने सेल्स बने हैं दो तो सेल का डिवीजन होकर नए सेल बनने तक का जो समय है यानी यहां से लेके यहां तक इसको हम क्या कहेंगे सेल साइकिल कहेंगे ये भी सेल तो और सेल से बना होगा यस इससे ये बना और इससे ये बने तो यहाँ से लेके यहाँ तक या ये बनने से लेके इनके बनने तक के समय को क्या कहेंगे सेल साइकिल ठीक है तो टाइम रिक्वायर्ड टाइम required for cell division ये इसका एक मीनिंग हो सकता है सेल डिवीजन के लिए लगने वाला टाइम सेल की डिवीजन शुरू होके सेल डिवाइड होने तक का टाइम क्या कहलाएगा सेल साइकिल सेकेंड क्या कह सकते हैं सेकेंड कह सकते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन
टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, जैसे ये एक सेल डिवीजन हुआ और ये दूसरा सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन होने के बाद दूसरा होने तक का टाइम क्या कहलाएगा? सेल साइकिल। शायद मैं क्लियर हूं आप सबके लिए कि नहीं हूं? यस सर। आप कोई चाह रहे हैं, चाहता है मैं रिपीट करूं इसको? नो सर। इनके समवन वांट्स मी टू रिपीट, लेट मी नो। डरना मना है, आपको पता है। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, यस, गुड मॉर्निंग ओम। काय झालं, लेट झालं आज सर? ते ऍडमिशन फॉर्म भरायला गेलेला ना कॉलेज मध्ये म्हणून। कळलं मला, कळलं मला। कॉंग्रॅच्युलेशन ऍडमिशन साठी तुझ्या। हो सर, थँक्यू। व्हेरी गुड। चलो ठीक आहे, लेट अस मूव अहेड नाव। प्रणाली नाही आली, प्रणालीची पण ऍडमि, प्रणाली भेटली का तुला तिकडे? हो काय सर? प्रणाली भेटली ती का? प्रणाली पुकळे ती गेली, ती अर्पिता सोबत होती गेली तेव्हा। अच्छा ओके, अर्पिता सोबत होती का? अर्पिता आली लेक्चरला? हो सर, तिला घरी जायला उशीर झाला असेल ना, तिला चालत जावं लागतं आणि आज पाऊस पण पडत होता। ओके ओके, झाली ना ऍडमिशन तुमची? हो हो झाली। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन। थँक्यू। चलो सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम। अब सेल साइकिल में दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है दैट इज नोन एज इंटरफेज। पहला स्टेज क्या है? इंटरफेज। और जो दूसरा फेज है उसको कहेंगे एम फेज। इंटरफेज इज नथिंग बट प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेस क्या है? प्रिपरेटरी मतलब तैयारी करेगा सेल इसके अंदर, जबकि एम फेज इज व्हाट? फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। एम फेज क्या है? फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। देखो कैसा है ये ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरह है। जैसे अपना एकेडमिक ईयर है, अभी 11th का एकेडमिक ईयर चालू हो गया, आप पूरा साल भर पढ़ाई करोगे और फाइनल में 3 घंटे में हर सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। तो 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए 3 घंटा तैयारी किया था क्या हमने? बिल्कुल नहीं, हमने साल भर किया था। यानी तैयारी में ज्यादा वक्त खर्च हुआ और एग्जाम के लिए वक्त थोड़ा सा ही लगा। वैसे कुछ यहाँ पे है, तैयारी ज्यादा वक्त चलेगा और जो एग्जाम है एक्चुअल डिविजन है वो थोड़े से वक्त में खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं अगर डायग्राम के जरिए दिखाऊं, अभी डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, फिर से ड्रॉ करता हूं। ओहो, एक गोल नहीं आता बराबर है, थोड़ा अभी भी गड़बड़ है। ओके, एक सेल था उसमें डिवीजनों की 2 सेल्स बने। ये पूरे प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा? सेल साइकिल। लेकिन सेल साइकिल के अंदर हमने 2 हिस्से कर दिए। ये हिस्सा कहलाएगा इंटरफेज और ये हिस्सा होगा एम फेज। आप देख सकते हो पूरा सेल साइकिल में ज्यादा वक्त किसमें जा रहा है? इंटरफेज में जा रहा है। और कम वक्त किसमें जा रहा है? एम फेज, मेटाफेज।
मेटाफेज नंतर येणार. अब इस इंटरफेज को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज. यानी यहाँ पे क्या क्या होगा, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज. सब लोग समझ रहे हैं ना क्या लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे? आर यू एबल टू रीड इट प्रॉपरली? यस सर, यस सर, यस सर. तो ये इंटरफेस के तीन फेजेस हो गए. इधर दो फेजेस होंगे और एम फेज में. पहला फेज होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा फेज होगा साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. चलो इतनी चीजें लिख दो पहले आपके बुक में. इधर ये कैरियोकाइनेसिस और इधर ये साइटोकाइनेसिस, ए और सी. इतना लिख लो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ हर स्टेप पर. जब तक लिख रहे हो तब तक हैंड रेस करके रखना, तो आई विल नो इसका बाकी हो तो मैं तब तक रुक सकता हूँ. चलो एवरीवन रेज योर हैंड. अभी सबको लिखना है ना, सब लोग का हैंड रेज करे. सर साइड लगाना. एवरीवन शुड रेज हैंड. Done, sir. Good. Done, sir. Very good. क्या बात है, फटाफट फटाफट पूरा हो रहा है आपका. Good. Done, sir. Yes, sir. अर्पिता ने दिखाया thumbs up. Good. Yes, प्रसाद आयुष झालं की सांगा. ओम ने भी थम्स अप किया है. ओके ओम, ओम मेरी तरफ से थम्स अप भी देना है आज. चलो थैंक यू. डन डन. ओके रूपाली. सो अब ये फेजेस और ये फेजेस को हमें डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंटरफेज के फर्स्ट फेज से. सेल अभी बना है और उसमें सेल डिवीजन चालू होते ही पहला फेज क्या है, जी1 फेज. तो जी1 फेज के लिए हम और एक नाम देंगे, उसे हम कहेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज. जी1 फेज को क्या कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक. पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर. सर सर पहला सर क्या होता है, बोला ना. हेलो सर, ते पोस्ट नंतर काय लिहिले, पोस्ट नंतर MITOTIT. ओके सर. पोस्ट का मतलब आफ्टर, जैसे वी आर बोर्न इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. गांधी जी वॉज बोर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद. बराबर है कि नहीं? यस सर. हाँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना मेरे, मैं इंक्लूड करके, कि प्री इंडिपेंडेंस वाला कोई है? नहीं, कोई नहीं है सर. पूरे थे हम लोग. बराबर. तो माइटोसिस हुआ था, ये सेल बना था. बराबर, किसी सेल के डिवीजन से ये सेल बना था और तुरंत जीवन पे चालू हो गया, इसलिए माइटोसिस के बाद पोस्ट माइटोटिक. सेकेंड, इसका दूसरा नाम गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज. इसका दूसरा नाम क्या है, गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज. और इसमें होता क्या है, सेल इस फेज में करता क्या है? तो इस सेल में सेल synthesizes RNAs and proteins. सेल को, नए सेल को देने के लिए अलग अलग RNA की जरूरत पड़ेगा. कितना RNA आपको मालूम है, बताओ जरा फटाफट.
mRNA, tRNA, RNA. तीन आरएनए मालूम है, बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर. तीन आरएनए आपको मालूम है, तीनों आरएनए लगते हैं इसी काम के लिए, प्रोटीन तैयार करने के लिए. और जो सेल के अंदर पार्ट्स है उनके लिए मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है. वो सारी कौन सी फेज में बनेंगे? जीवन फेज में. ये नाम अलग अलग देने का कारण है कि काम अलग अलग होता है सब में, समझ रहे हो ना. जीवन में अलग काम होगा, एस में अलग काम होगा, G2 में भी अलग काम होगा. ठीक है सर, इतना लिखो, फिर मैं एस फेज के बारे में लिखूंगा. क्या एस फेज क्या है? एस फेज सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस से एस लिया है. और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या डबलिंग ऑफ डीएनए. यस, गुड मॉर्निंग स्नेहा, वेलकम. सर, डुप्लीकेशन बोल रहे काय? हे डुप्लीकेशन वर्ड है, हे डबलिंग आहे आणि डीएनए रिप्लिकेशन, अर्थ सगळ्यांचा सेम आहे. येस स्नेहा, आवाज येतोय स्नेहा तुला माझा? हाँ येतोय. ओके, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. येस, आपण स्टडी करतोय नवीन टॉपिक सेल डिव्हिजन. त्याच्यात सेल सायकल चालू केलंय. ही सेल सायकल आहे, त्यातला हा इंटरफेज इकडे लिहिला आहे. एम फेज लिहायचा बाकी आहे. इंटरफेज मध्ये जीवन फेज, एस फेज झालाय, जी टू फेज लिहायचं. एवढं जरा नोट डाऊन करून घ्या, जोपर्यंत लिहिते तोपर्यंत हँड रेज करून देऊ. स्नेहा तू पण लिहित असशील तू पण हँड रेज करून देऊ. स्नेहा डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. डन, एवरीवन डन. यस सर. यस सर. अब जी टू फेज की बात करेंगे. अगेन थर्ड फेज ये सी वाला है. सी वाला क्या है? जी टू फेज. जी टू फेज के लिए वर्ड होगा प्री माइटोसिस. कल माइटोसिस होने वाला है. ये सेल एस फेज खत्म कर लिया. इधर कौन सा फेज खत्म किया उसने? जीवन. इधर कौन सा फेज खत्म किया? एस फेज. yes. अब इधर कौन सा फेज खत्म करेगा? ये जी टू फेज. बराबर है. तो जी टू को हमने कहा प्री माइटोटिक, मतलब माइटोसिस से पहले होने वाला स्टेज. दैट इज फर्स्ट थिंग. इसको हम गैप टू या ग्रोथ टू कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? गैप टू या ग्रोथ टू कह सकते हैं.
अब इसमें होता क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये जो लिखा है मैंने आरएनए का सिंथेसिस, ये इधर जारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा और एक काम ऐसा होगा, न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइज। कोई बताना चाहेगा मुझे न्यूक्लियस साइज में क्यों बढ़ता है इस फेज में? यस, कुछ अंदर से लगा था कोई डेवलपमेंट डेवलप होता है, काय काय होता सेल्स मध्ये चेंजेस होतो म्हणून। ओके ठीक आहे, और कोई बताना चाहेगा न्यूक्लियस का साइज क्यों बढ़ रहा है इस स्टेज में? देखो ना, इसके पहले कौन सा स्टेज हुआ है? अरे जी टू के पहले कौन सा फेज हुआ है? एस। उसमें क्या हुआ है? डुप्लीकेशन। किसका? डीएनए। डीएनए का किधर होता है? डीएनए किधर होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो डीएनए डबल होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा फिर? साइज इंक्रीजेशन। अरे जाहिर सी बात है ना, न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए डबल हो गया तो न्यूक्लियस बेचारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइज। और तीसरा, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल डिवीजन के लिए जरूरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी चीजें तैयार करनी होगी, एनर्जी जमा करनी होगी, वो सारा ये जी टू फेज में कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्रिपरेशन एकदम रेडी, अब सेल को बस डिवाइड होना बाकी। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, बस तो नोट डाउन कर लो फटाफट जो जो सामने दिख रहा है, और हैंड रेज करना मत भूलना। सर थोड़ा साइड हुआ ना, बोर्ड फ्लैश होते। व्हाई नॉट? डन सर। वेरी गुड, डन सर। ओके बहुत अच्छे। डन सर। वेरी गुड, डन सर। डन सर। गुड, वेरी गुड। यस ओम, वेरी गुड। यस शैवण्य, वेरी गुड। शैवण्य असेल ना नाव बेटा तुझं? डन सर। शैवण्य ना? हा ओके, चलो। सो ऑल डन, एवरीवन डन विथ इंटरफेस। स्नेहा तुला पण समजलं का? स्नेहा इंटरफेस कळलं का? स्नेहा तुला? स्नेहा आवाज माझा येत असेल तर रिप्लाय दे। ओके, तो हमने इंटरफेस पूरा किया है। इंटरफेस ये प्रिपरेशन वाला फेज होता है, इसमें पहले G1 फेज और फिर बाद में G2 फेज होती है। अब इंटरफेस हो गया तो अब बाकी रहेगा M फेज। M फेज मतलब फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। तो लेट अस सी M फेज। M फेज इज फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन बराबर है। अब yes, इसमें भी दो स्टेप्स है। पहले स्टेप की बात करेंगे। देखो वर्ड क्या है, क्या वर्ड है ये? कैरियोकिनेसिस बराबर है। ये दो अलग अलग वर्ड से जुड़ के बना है। क्या है दो अलग अलग वर्ड, बताएगा कोई? यस, कैरियो मतलब क्या? कैरियो का मतलब होता है कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड। आपने देखो ना, दो वर्ड पढ़े, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पढ़े कि नहीं? यस सर पढ़े। यस सर। एकदम सादा होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उसको कैरियोट, यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कहते हैं, राइट? यस। सो ये हो गया कैरियो का मतलब। काइनेसिस वर्ड जो आया है वो आया है काइनेटिक से। व्हाट इज काइनेटिक? ये कहा वर्ड यूज करते हो आप काइनेटिक? काइनेटिक एनर्जी। क्या मीनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी? कौन से एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हो आप? मूविंग में रहता है, मोशन में होता है। मोशन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं हम? काइनेटिक। सब लोग एग्री करते हो कि नहीं इसको? यस सर। आपके घर के ऊपर पानी का टंकी है, उस टंकी में पानी भर के रखा है, तो उस पानी में कौन सी एनर्जी है? घर के अंदर, घर के ऊपर पानी का टैंक है, उसके अंदर पानी भर के रखा है, उस पानी में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। लेकिन यही पानी जब बहता है काइनेटिक, कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट। यस, काइनेटिक क्या है? मूवमेंट है। तो अभी देखो वर्ड क्या बना है, एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। बराबर। यस सर। यस सर। वेलकम बैक कीर्ति। आपका नेट का इशू है क्या कुछ? यस कीर्ति, नेट का इशू है तुझा? हो सर। गड़बड़ है। चलो ठीक है, फिर भी वेलकम बैक। तो हम वर्ड कैरियोकाइनेसिस समझ रहे हैं, उसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस का, एक्चुअल मीनिंग होता है न्यूक्लियस का मूवमेंट। लेकिन हम इसको क्या लेंगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम क्या मानेंगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस किसी ने ये वर्ड पहली बार यूज किया था उसने क्या देखा? सेल एक है, उस सेल में न्यूक्लियस दो हो गए और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी एक न्यूक्लियस के दो बन गए और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया इसको? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। यस, वेलकम बैक आयुष। आयुष, यह वर्ड का मीनिंग इसलिए लीला है मैं, सब लोग इस वर्ड का मीनिंग लिख लो पहले फटाफट, फिर मैं बताऊंगा आपको साइटोकाइनेसिस का मीनिंग। मुझे थम्स अप कर देना, या फिर आपके पास टिक मार्क का भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन है। यस, बिल्कुल मिल गया, सबको मिल गया टिक मार्क, वेरी गुड। स्मार्ट लोग और स्मार्टफोन, अब दो दो चीज स्मार्ट होगी तो ऐसे ही होने वाला है, वरना फोन स्मार्ट होते गए और लोग डम्ब होते गए ऐसा बोला जाता है, पर अपने यहाँ साइंस वाले है ना बंदे, सब स्मार्ट लोग ही रहेंगे सब। और क्या क्या है आपके पास ऑप्शंस है? नॉन वर्बल फीडबैक के ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? और क्रॉस का भी है। ओके, इमोजीज पण आले त्याच्यामध्ये सगळे, इमोजीज पण आलेत ना आता। गो फास्ट, गो स्लो, कितने सारी चीजें इधर। वाह, हाँ मयूरी, इमोजीज पे है, मतलब जूम और व्हाट्सएप एक जैसा बन रहा है अभी तो। अरे बाप रे, ये तो नाग भी आ गया इधर। मयंक धूप में जा रहा है गॉगल पहन के, और नितिन क्या पार्टी कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
एम फेज हो गया, अब इस एम फेज में और चार फेजेस के नाम मैं लिख रहा हूं, बाद में फिर साइटोकाइनेसिस देखेंगे, ठीक है। तो एम फेज जब खत्म होगा ना, ये सेल था जिसमें जी टू फेज खत्म हो गया था, अब उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ और इससे नया सेल बना, लेकिन उस नए सेल में क्या दिख रहा है, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दो न्यूक्लियस, और ये दो सेल्स में अब शुरू हुआ कैरियोकाइनेसिस, लेकिन एम फेज का ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर वापस चार स्टेजेस है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है सबका, इनिशियल लिया है, क्या लिया है इनिशियल, पीएमएटी, पीमत, क्या है इनिशियल, पीमत, पी से क्या, पी से प्रोफेज, प्रोफेज, प्रो मतलब फर्स्ट, तो पी से प्रोफेज, एम से क्या, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वेरी गुड। तो ये चार फेजेस हम पढ़ते हैं कहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। चलो सबने लिखकर हो गया होगा तो बताना मुझे, सर बोर्ड फ्लैश होता थोड़ा सा, सर आपका जाने का सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया है तो बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की, तो बी जो है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस है, अगेन साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, किधर होता है ये साइटोप्लाज्म, किधर होता है साइटोप्लाज्म, क्या हुआ किधर है साइटोप्लाज्म, नहीं पता, मियोसिस नहीं मालूम, अरे बाप रे, इन न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस है तो आजू बाजू में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटो का मतलब क्या होगा, सेल होगा, और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो, इस फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होगा, न्यूक्लियस में भी फ्लूइड होगा, क्या बोलोगे न्यूक्लियस के फ्लूइड को, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, मराठी मध्ये साइटोप्लाज्मला पेशी द्रव्य म्हणतात, पेशी माने सेल, द्रव्य मतलब फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, तो चलो एक बार जरा फटाफट रिकॉल कर लो, मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, सेल साइकिल को अच्छे से रिकॉल कर लो, एक बार पूरा देखो, फिर बुक बंद करो या आंख बंद करो और पूरा याद आता है क्या देख करो, जब तक ये कर रहे हो तब तक हैंड रेज करके रखना सब लोग, टाइम फॉर रिविजन, टाइम फॉर रेजिंग योर हैंड, सेल साइकिल प्रॉपर हो जाना चाहिए अपना, परफेक्ट, ये जतिन, समीरा, ओजस, आर्या, प्रसाद, वंशिका, आयुष, तुम्ही पण आहात ना क्लास मध्ये,
ये समीरा आज एक उत्तर नहीं समीरा कडून आलं जतीन आप बात नहीं करो यस सर यस सर रीड करो हैंड रेज करके रखो पूरा सेल्स साइकिल रीड करना है रीड होने के बाद बुक बंद करो या आंख बंद करो और रिकॉल करो पूरा सेल्स साइकिल उसके स्टेजेस के साथ Done, sir. Very good. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Good, good, good. एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं फिर से ठीक है आप बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा सेल साइकिल पहला फेज का नाम बोलो सेल साइकिल में क्या है इंटरफेस इंटरफेस वेरी गुड और दूसरे फेज का नाम बोलो क्या है इंटरफेस हाँ अभी मैं ऐसा भी एज्यूम कर रहा हूँ कि नोटबुक बंद है सबका बंद है कि नहीं यस सर बंद है यस कोई भी यहाँ पे उल्लू नहीं बनाएगा किसी को राइट नो सर चलो इंटरफेस हो गया एमपेज इंटरफेस के स्टेजेस क्या क्या है बताओ जीवन जीवन एस जीवन एस जीटू एच वेरी गुड जीवन एस एंड जीटू सब लोगों ने अपना माइक चालू किया था क्या एटलीस्ट एक बार Yes sir. 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 Hello. बराबर अब इधर क्या लिखो करियोनिसिस साइट करियोकाइनेसिस करियोकाइनेसिस
और दूसरा वर्ड है काइटोकाइनेसिस। काइटोकाइनेसिस बराबर है। यस सर। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर वापस तीन स्टेज आने देखी क्या चार स्टेज देखी रहर चार ना का तीन चार सर क्या क्या है ठीक है। अभी मेरा अगला सवाल एस फेज में क्या होता है कौन बताएगा? डुप्लीकेशन डीएनए का डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डीएनए का डुप्लीकेशन होता है डीएनए का डबलिंग होता है क्या होता है डीएनए का डबलिंग। देखो मेरे हाथ में एक मार्कर है मार्कर एक है यस सर यस सर बट एस फेज होगा तो ये डीएनए कितना हो जाएगा देखो जादू कर दिया मैंने डबल 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 होगा कि नहीं यस सर यस सर। एस फेज में एक डीएनए का कॉपी होता है हर एक सेल में उसकी कितनी कॉपीज हो जाती है दो क्यों दो हुई क्यों हुई है दो क्या रीजन है सिंथेसाइज क्यों लेकिन वाई सर आगे सेल डिवीजन में हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए। इसके बाद जो दो सेल्स बनेंगे दोनों को एक एक कॉपी देना पड़ेगा ना बाबा तो मेरे पास अगर जितना है उसको मैं आधा आधा करके नहीं दूंगा मैं उसके और एक कॉपी बनाऊंगा और दोनों को उतना ही दूंगा जितना मेरे पास है ऐसा हर सेल सोचता है और इसलिए वो सेल क्या करता है एस फेज में देखो सेल डिवीजन से पहले जो तैयारी है उसमें ये भी शामिल है सेल डिवीजन के बाद नए सेल को डीएनए देना है तो पहले ही उसकी दो कॉपीज बना के रखी जा रही है। आई थिंक आई एम क्लियर वेरी मच हियर। यस सर यस सर यस सर। तो आज आज यही रुकते हैं बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है अगले वीक से या आने वाले दिनों में रुको यार भागने की जल्दी हो जाए देखो भाग भी गया बाकी लोग रुको अभी आने वाले दिनों में अपना शेड्यूल थोड़ा बढ़ेगा आप मानते हो टाइम टेबल बढ़ना चाहिए थोड़ा कि नहीं। यस सर यस सर यस सर बढ़ना चाहिए और ऑफलाइन भी बढ़ना चाहिए। यस सर यस सर ना तो शुरू सर पहले भी अभी भी हम ऑनलाइन से शुरू करेंगे आने वाले दिनों में एक की जगह रोज दो लेक्चर लेंगे लेकिन टाइम आधा घंटा ही बढ़ाएंगे शुरू में यानी 11:30 की जगह लेक्चर अपने स्टार्ट होंगे 11 बजे से तो 11 से 11:45 और 11:45 से 12:30 दो दो टीचर्स मिलने आएंगे रोज आपको चलेगा क्या? यस सर यस सर यस सर ठीक है। और वैसे ही है वेलकम बैक ओजस ओजस विषय ऐसा होता कि आपन आता थोड़ा लेक्चर से ड्यूरेशन वाढ़ो सब्जेक्ट वाढ़ो ऑनलाइन